जनपद पंचायत में, और यहाँ पर आज शपथ समारोह रखा गया था। शपथ समारोह में जनपद पंचायत के प्रांगण में रखा गया था, और जनपद पंचायत के साथ में हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जनपद अध्यक्ष इंद्र सिंह चौहान। हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ जीत कितनी बार जीत मिली है, और जीत कैसे किस करेंगे। भैया नमस्कार, आपका स्वागत है। भैया लगातार कितनी बार जीत मिली इसका देश के प्रधानमंत्री सम्मान नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जन कल्याण योजना लगातार तीसरी बार आप शपथ ली है, इसको आप किस तरह आने वाली समय में क्या आप मानेंगे। लगातार तीसरी बार निर्वाचित होकर जनता ने जनपद के लोगों को नाम चुना है, इसलिए हम लोग आगे की कमाई और आज तक उसी महीनों में 2023 में लोग विधानसभा चुनाव भी आएंगे, उसमें आप क्या कहेंगे, विधानसभा जीत सोचेंगे आप यहाँ से। इलेक्शन के बाद हम करते हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, आप नगरीय निकाय चुनाव देखें और पंचायत चुनाव देखें, मिशन चेविक के लिए बिल्कुल बच चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताकत बहुमत के साथ बनेगी, और अलीराजपुर में तो यहाँ तक कि हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाएंगे, एक बार ताकत के साथ खिलाएंगे। इंद्र सिंह चौहान जी से सुना, और इन्होंने कहा है कि अभी मिशन 2023 का है, उसमें हर बूथ पर कमल का फूल खिलेगा और ताकत के साथ हम लड़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घर घर झंडा अभियान की शुरुआत 13 तारीख से करने वाले हैं। आप सबको मालूम है कि नहीं घर घर झंडा लगाना मालूम है सबको। मैं आप सब भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमारे आन और बान शान, हम तिरंगा झंडा लेकर जब घूमते हैं, आजादी के 75 साल में हम जी रहे हैं, और आज अमृत महोत्सव मनाने का यह कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आप सब भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोगों के घर पर झंडे अपने अपने घर पर लगना चाहिए, अपने कार्यकर्ता के घर में लगना चाहिए, और सारे गांव में तिरंगा झंडा लगाना चाहिए। ये हम सब लोग यहां से संकल्प लेके जाएंगे। भाइयों बहनों, जैसे आप सब जानते हैं पंचायत के चुनाव हम जीत गए। अभी वकील सिंह जी कह रहे थे कि हम चुनाव सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तमाम योजनाएं हैं, अगर हम हमारा सरपंच और चुनाव जनप्रतिनिधि तय कर ले कि सरकार की योजना का लाभ हर गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए, ये हम सब लोगों की जवाबदारी है। अगर आपने सरकार की योजना की जानकारी जनता के बीच में, उस योजना का लाभ हमने जनता को दिला दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा गांव का सरपंच सफल हो सकता है।